हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं दिवाली डेकोरेशन के लिए जो पिछले साल के जो कई बार कैंडल बच जाते हैं तो उसका यूज़ करने जा रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये मैं जो कैंडल्स है उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसको मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। तो जब तक वो मेल्ट हो रहा है तब तक मैं इसका जो मोल्ड है वो उसको रेडी कर लूँगी। तो मैंने इसमें नारियल का तेल डाला है क्योंकि मुझे इसको मोल्ड में से बाहर निकालना है। इसलिए अगर आपको मोल्ड से बाहर नहीं निकालना तो उसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने कुछ जो रेड कलर के ग्लिटर्स इसमें स्प्रिंकल कर दिए हैं, और ये जो वैक्स मेल्ट हो चुका था तो मैंने इसको हाफ फिल कर दिया है। और इसके बाद जो कुछ मेरे पास फ्लावर थे, अगर आपके पास सूखे फ्लावर्स हों तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सूखे नहीं थे तो मैं ये इस तरह से ताज़े फूल इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद इसको पूरा फिल कर दूँगी। तो इस जो मैंने ये फ्लोटिंग कैंडल बना रही हूँ इसमें, तो जिसका मैंने पिछले दिवाली डेकोरेशन के लिए मैंने उर्ली रेडी की थी तो मैंने उसमें इसका यूज़ किया है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और इसको मैंने ऊपर से कुछ गोल्डन ग्लिटर डाल दिया है। इस वीडियो पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। नेक्स्ट के लिए जो वैक्स क्रेयंस होते हैं कलर्स, उसको मैंने यूज़ किया है। और विक के लिए मैं ये पाइपिंग थ्रेड होती है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसको इसी कप में ही रखूँगी, तो मैंने इसमें ऑयलिंग नहीं की है। अगर आप चाहें निकालना तो आप इसमें पहले ऑयलिंग कर सकते हैं। तो जो उर्ली का जो वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिएगा। ये मेल्ट हो चुका है। तो मैं इसमें इसको डाल दूँगी। मैं तीन थर्ड कैंडल जो है मैं छोटे से गिलास में बना रही हूँ, तो इसमें का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा अलग है। तो गिलास को मैं टेढ़ा करके फिर इसमें वैक्स डालूँगी, और जब तक वो जमेगा नहीं तब तक गिलास को मैं उसी पोजीशन में ही रखूँगी। और सेकंड कलर के लिए मैंने ग्रीन जो वैक्स क्रेन होता है उसका यूज़ किया है। तो ये मेल्ट हो सॉरी ये जम गया था, तो मैं दूसरी साइड से सेकंड लेयर कर रही हूँ इसमें। तो मैंने दो कलर के बीच में 15 से 20 मिनट का गैप रखा था ताकि वो जो वैक्स है अच्छे से जम जाए। अब उसे मैंने उसमें भी डाल दिया है। और थर्ड कलर के लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया है। तो इस बार गिलास को मैं बिल्कुल सीधा रख के ही रखूंगी। और सेम कलर मैंने इसमें भी किया, तो ये मल्टी कलर के दोनों कैंडल रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपने दिवाली में और आने वाले क्रिसमस के टाइम में इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घर में और भी कैंडल बना के। तो ये सारे जम चुके थे, तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका। तो मेरी वैक्स ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैं इसको पूरा फिल कर देती। और ये देखिए इसका मैं जो पैटर्न बनाया पिरामिड टाइप में, पिरामिड नहीं ट्रायंगल कह सकते हैं इसको। और ये जो मैंने फ्लोटिंग कैंडल बनाया था तो ये बनना तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर मैं इसको जेल वैक्स से बनाती तो ये जो बहुत ही सुंदर बनता, और क्योंकि इसके अंदर जो मैंने ग्लिटर वगैरह फूल डाले थे वो दिखते। तो ये देखिए पानी के ऊपर ये फ्लोट करेगा। तो इस तरह से तीनों कैंडल बन के रेडी है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबाइएगा क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू।